हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, जिसको मैं दो मेथड से करूँगा। तो यहाँ फिलहाल डिस्कस करेंगे मेथड 1। बोला गया है शो दैट इफ टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर किसी सर्कल की दो कॉर्ड एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, दे मस्ट बी डायमीटर ऑफ सर्कल। तो वे इस सर्कल की क्या होगी, डायमीटर होगी, बात प्रूफ करके दिखाओ। तो मैंने इसकी दो कॉर्ड रोकी, पहली कॉर्ड, दूसरी कॉर्ड, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब जितनी मेरी ये है उतनी ही होगी, जितनी मेरी ये है उतनी ही मेरी ये वाली होगी। तो मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी डी, ये मेरा सेंटर हो गया ओ। मुझे प्रूफ करना है कि जो मेरा ए सी और बी डी दोनों डायमीटर है। तो पहले लिखेंगे गिवन पार्ट, गिवन पार्ट में लिखेंगे बी डी एंड ए सी बाइसेक्ट ईच अदर, जिसकी वजह से जितना ओ बी है उतना ओ डी एंड जितना ए ओ उतना ओ सी, इसे नंबर मैंने 1 मान लिया। हमें 2 प्रूफ करना है कि बी डी एंड ए सी आर डायमीटर, कि मेरे दोनों डायमीटर हैं। तो इसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। मैंने कर दिया जॉइन ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, इसको इसके साथ जॉइन कर दिया, इसको इसके साथ, ए को डी के साथ, बी को सी के साथ। अब ये मेरा क्या बन गया, एक तरीके से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। इस वजह से एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों का जोड़ होगा 180 डिग्री, इसे मैंने रीज़न 1 मान लिया। अब जो मेरे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए बी सी डी, ये क्यों बन गए, ए सी और बी डी क्या बन गए, इसके डायगनल, और डायगनल करे एक दूसरे के बाइसेक्ट, पैरेललोग्राम के जो डायगनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और यहाँ पर भी जो डायगनल वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से मेरा जो ये ए बी सी डी होगा ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, इसे मैं नंबर मान लेता हूँ 2। ठीक है, इसे नंबर मान लेता हूँ मैं 2। अब जो मेरे पास थी एंगल ए और एंगल सी बराबर 180 डिग्री का था, यहाँ लिखा मैंने फ्रॉम 1, फिर मैंने लिखा यूजिंग 2। देखो ए सी के बराबर, सी ए के बराबर, या तो ए को चेंज कर लो या सी को चेंज कर लो, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। तो मैं ए को चेंज कर लेता हूँ, ए बराबर है सी के, सी इज इक्वल टू 180, कितना आया 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी, क्योंकि ये 1 हुआ ये 1 हुआ, 2 बार दो बार हुआ, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी, मल्टीप्लाई में तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, ये मेरा वो 90 डिग्री, जितना एंगल सी होगा उतना ही मेरा कौन होगा, एंगल ए होगा। ठीक, ए और सी दोनों मेरे 90 डिग्री के आ गए, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। अब देखा जाए एक डायमीटर ही हमेशा सेमी सर्कल में राइट एंगल क्रिएट करता है। ठीक है, ये बी डी सी, अब ये मेरा एंगल सी कितने का आ रहा है, 90 डिग्री का, और ये एंगल भी कितने डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री का। तो एक अगर डायमीटर होता है वही सेमी सर्कल में, उसको सेमी सर्कल में डिवाइड करो तो सेमी सर्कल में बनने वाला ट्रायंगल हमेशा राइट ट्रायंगल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं सिमिलरली, इसी तरीके से मेरा एंगल बी और एंगल डी, ये दोनों भी क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, और हम जानते हैं वी नो दैट डायमीटर सबटेंड 90 डिग्री एंगल ऑन सर्कल। ठीक है, बी डी मस्ट बी डायमीटर, इस वजह से हमारा बी डी कौन होगा, डायमीटर होगा। और सिमिलरली जैसे बी डी हमारा डायमीटर है, उसी तरीके से ए सी भी हमारा डायमीटर होगा। सिमिलरली ए सी ऑल्सो डायमीटर। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल सेमी सर्कल में बनता है, और सेमी सर्कल तब बनता है जब कोई डायमीटर
बनाया जाए और डायमीटर सर्कल को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर देता है। और ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल सेमी सर्कल में ही बनता है हमेशा। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पे कंप्लीट। ये हमारा मेथड वन था, अब डिस्कस करेंगे मेथड नंबर टू। तो मेथड टू के लिए मैंने डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, सेम टू सेम उसी तरीके से। सबसे पहले लिखेंगे गिवन पार्ट। गिवन पार्ट में था कि ये मेरे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बी डी एंड ए सी बाइसेक्ट ईच अदर, जिसकी वजह से जितना मेरा ए ओ उतना मेरा ओ सी नंबर वन, जितना मेरा बी ओ उतना मेरा ओ डी नंबर टू मान लिया, ठीक। और मैंने कंस्ट्रक्शन की पहले लिखेंगे टू प्रूफ। हमें टू प्रूफ करना था कि बी डी एंड ए सी आर डायमीटर। तो इसको करने के लिए फिर मैंने की थी कंस्ट्रक्शन, मैंने जॉइन करा था ए डी ए बी बी सी एंड सी डी, इनको जॉइन कर दिया था। अब यहाँ से प्रूफ करना शुरू करेंगे। मैंने दो ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ डी और ट्रायंगल बी ओ डी। देखो ओ डी बराबर ओ बी की एक रीज़न हुआ, ओ ए बराबर ओ डी के सॉरी ओ सी के, ये सी है बी ओ सी, ठीक, ये वाले साइड इसके बराबर है। जब कभी भी क्वेश्चन में एक्स बने तो ये वाला मेरा एंगल बराबर होता है इस वाले एंगल के, रीज़न होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, इन दोनों को लेने के बाद यहाँ लिखा ओ डी बराबर ओ बी के, ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन थी। दूसरा एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तीसरा रीज़न हमारा ओ ए बराबर ओ सी के, ये बात भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो पहले आई हमारी साइड, फिर आए एंगल, फिर आए साइड। इस रूट से ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ बी के। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके सारे पार्ट क्या होंगे, इक्वल बाय सी पी सी टी। मेरा ए डी बराबर होगा बी सी के, ए डी बराबर होगा बी सी के। अगर दो सर्कल की अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनकी लेंथ ऑफ आर्क भी क्या होगी, इक्वल। तो मेरी जो ये वाली ए डी है जो लेंथ ऑफ आर्क है, और ये वाली लेंथ ऑफ आर्क यानी कि बी सी, लेंथ ऑफ आर्क ए डी एंड लेंथ ऑफ आर्क बी सी दोनों क्या होंगी, इक्वल होगी। इसके लिए मैं रीज़न लिख देता हूँ, इफ टू कॉर्ड आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक, मेरी ए डी बराबर हो जाएगी बी सी के। इसे नंबर दे देता हूँ मैं तीन। जिस तरीके से मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया ए ओ डी और बी ओ सी को, इसी तरीके से मेरे ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ लिखूँगा मैं सिमिलरली ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ डी के, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इनकी जो लेंथ ऑफ आर्क ए बी बराबर हो जाएगी सी डी के, ए बी बराबर हो जाएगी सी डी के बाय सी पी सी टी। और इनकी भी जो लेंथ ऑफ आर्क होगी यानी कि ये वाली जो ए बी की लेंथ है आर लेंथ ऑफ आर्क और सी डी की लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या होगी, इक्वल होगी, ए बी इक्वल होगी सी डी के। सेम रीज़न यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, ठीक है, अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनकी लेंथ ऑफ आर्क भी क्या होगी, इक्वल होगी। इसे नंबर मैंने टू मान लिया, अब सॉरी टू नहीं फोर, इक्वेशन थ्री और फोर दोनों को मैंने प्लस कर दिया। ए डी की आर्क प्लस ए बी आर्क इज इक्वल टू बी सी आर्क प्लस सी डी की आर्क, ये मेरी आर्क। अब देखो ए डी प्लस ए बी, ए डी ये रेड वाली और ए बी ब्लैक वाली, इन दोनों आर्क को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरी कौन बन जाएगी, डी ए बी बन जाएगी, वाली लेंथ ऑफ आर्क क्या बन जाएगी, डी ए बी। इसी तरीके से बी सी प्लस सी डी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, बी सी डी, बी सी डी। ये वाली आर्क
इक्वल है इस वाली आर के, तो यानी कि अगर इस आर के दो बराबर हिस्से हो चुके हैं, और बराबर हिस्से कौन करती है इसको, बी डी करती है, और एक डायमीटर ही होता है जो किसी सर्कल की यानी कि उसकी आर को बराबर दो हिस्सों में बांट सके, इस वजह से मेरा जो बी डी होगा वो इस सर्कल का कौन होगा, डायमीटर होगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, जो मेरा बी डी होगा, बी डी डिवाइड्स द सर्कल सर्कल्स इंटू टू इक्वल पार्ट्स, सो बी डी एंड ए सी आर डायमीटर। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।